This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. पोंग झील में पहुंचे प्रवासी पक्षियों ने गर्मियों की आहट होते ही अपने वतन लौटना शुरू कर दिया है। प्रवासी पक्षी कतारबद्ध होकर आसमान में चहचहाते हुए अपने वतन की तरफ लौट रहे हैं तथा उनके चहचहाने से प्रतीत होता है कि मानो वे अन्य प्रवासी पक्षियों को भी अपने अपने वतन लौटने को कह रहे हों। आसमान में कतारें ही कतारें प्रवासी पक्षियों की वापस लौटते हुए देखी जा रही हैं। ये प्रवासी पक्षी रात को अपने वतन लौटने शुरू होते हैं। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोट रॉयस्टोन ने कहा कि गर्मियों की आहट होते ही प्रवासी पक्षी लौटने शुरू हो गए हैं। प्रवासी पक्षी 4-5 महीने तक झील में रहते हैं तथा जैसे ही गर्मी होती है लौट जाते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।